नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरु जी। दोस्तों, आज हम लोग एक कैलकुलेटिव पजल सॉल्व करने वाले हैं। ये थ्री वेरिएबल की पजल है दोस्तों। इस तरह के पजल केनरा बैंक में पूछे जाने की उम्मीद है, जिसमें कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी हो। तो चलिए, पजल आपके सामने में हिंदी में है, आप इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर इंग्लिश में भी आपके सामने में होगी। तो चलिए दोस्तों, हिंदी में आपने देख लिया, तो अब इंग्लिश में पजल आपके सामने में है, आप इसे देखिए और एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। फिर हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना था। देखिए दोस्तों, जब भी कोई कैलकुलेटिव पजल आपके सामने में हो, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपको पेशेंस के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ सॉल्व करनी है। अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो पजल आसानी से सॉल्व होगा, भले ही उसमें कितनी भी ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों ना हो। तो ये पजल भी उसी तरह से है, आसान सा है, कैलकुलेशन है लेकिन आसान सा है। अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो ईजीली सॉल्व होगा। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है, देयर आर 8 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच हु हैव ऑब्टेन मार्क्स इन थ्योरी। थ्योरी के मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 80 में, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। एंड मार्क्स इन लैब, लैब के मार्क्स भी दिए हुए हैं आउट ऑफ 20, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 8 स्टूडेंट्स हैं जिनको कि एक एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। थ्योरी के मार्क्स अलग हैं और लैब के मार्क्स अलग हैं। थ्योरी के मार्क्स आउट ऑफ 80 में दिए गए हैं और लैब के मार्क्स आउट ऑफ 20 में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर अपना डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। 8 फ्रेंड्स हैं हमारे पास में, ए से एच तक, तो वही करेंगे हम, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम थ्योरी के मार्क्स लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लैब के मार्क्स लिखेंगे, और इस तरफ अगर कोई कैलकुलेशन होती है तो उस कैलकुलेशन को, या फिर अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी तो हम उसे इस तरफ नोट डाउन करेंगे। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कंडीशन हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कंडीशन पढ़ते हैं। इज़ लैब मार्क्स आर 15, विच इज़ हाफ ऑफ द सम ऑफ लैब मार्क्स ऑफ ए एंड बी। ई का लैब मार्क्स हमें पता है 15, और ये 15 जो है ये ए और बी का जो लैब मार्क्स होगा उसका हाफ है। तो 15 हाफ है, मतलब इसका डबल 30 होगा, यानी कि ए और बी का जो लैब मार्क्स होगा वो हमारा 30 आना चाहिए। हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, ए प्लस बी हमारा 30 होना चाहिए। ये किस चीज़ के लिए? ये लैब मार्क्स के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, सीज एंड एफ्स लैब मार्क्स आर प्राइम नंबर्स। सी और एफ का जो लैब मार्क्स होगा वो प्राइम नंबर होगा। तो सी और एफ, इनके मार्क्स क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। तो चलो, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास 11 है, तो 11, या फिर 13 है, 13, और देख लो, और हमारे पास 19 है। ठीक है, तो 11, 13 या 19, इन्हीं तीनों में से हमारा सी और एफ का मार्क्स निकल कर आएगा लैब का। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए? लैब के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, सी गेट्स मैक्सिमम मार्क्स इन थ्योरी। सी को मैक्सिमम मार्क्स मिलता है थ्योरी में, तो मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी में कितना है? 79 है, तो सी को 79 मार्क्स मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, डिफरेंस ऑफ थ्योरी मार्क्स ऑफ बी एंड जी इज सेम एज दैट ऑफ ई एंड एफ। बी और जी का जो मार्क्स का डिफरेंस होगा वो ई और एफ के मार्क्स के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इसको भी हम नोट डाउन करते हैं, बी माइनस जी बराबर होगा ई माइनस एफ के। ठीक है, ये मार्क्स की डिफरेंस है, ऐसा मत समझ जाना कि ई हमारा बड़ा ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये इन दोनों के मार्क्स के डिफरेंस को माइनस में डिनोट किया है। हो सकता है जी का मार्क्स ज़्यादा हो और बी का मार्क्स कम हो, तो हम जी में से बी को घटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर नोट किया है। चलिए, ये किस चीज़ के लिए है? ये हमारे थ्योरी के लिए है, तो यहाँ पर हम थ्योरी भी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, एच हैज़ ए टोटल ऑफ 77 मार्क्स इंक्लूडिंग बोथ थ्योरी एंड लैब। तो एच का थ्योरी और लैब, इन दोनों का टोटल मार्क्स 77 होना चाहिए। तो हम एक बार देख लेते हैं, हमारे पास जो भी मार्क्स अवेलेबल हैं उसमें 77 कैसे बन रहा है। देखो, सबसे पहले थ्योरी में 66 है, तो 66 में हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा 77 होगा, और 11 हमारे लैब मार्क्स में अवेलेबल भी है। अब देखो, अब 66 से हम ऊपर जाएंगे, जैसे कि अगर हम 68 लेते हैं, तो 68 में हमें 77 लेने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी? 9 मार्क्स की ज़रूरत होगी, यानी कि लैब में। थ्योरी में हम 66 से ऊपर बढ़ेंगे तो लैब में हमें 77 के लिए 11 से नीचे जाना होगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि 11 से नीचे में तो कोई मार्क्स हमारे पास है ही नहीं, यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही है कि थ्योरी में हमें एच के लिए 66 और लैब के लिए 11 लेना होगा,
तो हमारा टोटल 77 हो जाता है। ठीक है, यानी कि चलो यहाँ पर लैब के लिए हम ले लेते हैं 66, और लैब थ्योरी के लिए 66 और लैब के लिए 11, तो हमारा यहाँ पर 77 हो गया। ठीक है, अब देखो एच का लैब मार्क्स हमने 11 ले लिया, तो यहाँ पर हमने सी और एफ के लिए 11, 13 और 19 की पॉसिबिलिटी रखी थी, तो 11 तो एच का हो गया, सी और एफ का तो हो नहीं सकता है, यानी कि यहाँ से 11 कट गया। अब कन्फर्म है हम ये 13 और 19 जो हैं ये हमारे सी या एफ के ही होंगे, 13 और 19 सी और एफ के अलावा किसी और के नहीं होंगे, ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है द थ्योरी मार्क्स ऑफ ए आर 4 टाइम्स ऑफ हिज लैब मार्क्स। तो देखो ए का जो थ्योरी मार्क्स है ये लैब मार्क्स जितना भी होगा उसका 4 टाइम होगा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं लैब मार्क्स जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें हम 4 टाइम करते हैं, तो वो 4 टाइम करने के बाद जो मार्क्स होता है वो हमारा थ्योरी में अवेलेबल है या नहीं, एक बार चेक करते हैं। 11 का 4 टाइम्स 44 होता है, लेकिन 44 तो हमारे पास है नहीं, थ्योरी में मिनिमम मार्क्स हमारे पास 66 ही हैं, तो एक बार चलो आगे भी चेक कर लेते हैं। 12 का 4 टाइम 48 नहीं, 13 का 52 वो भी नहीं, 14 का 56 वो भी हमारे पास नहीं है, 15 का 60 होता है वो भी हमारे पास नहीं है, 16 का 4 टाइम्स 64 होता है, देखो यहाँ पर 64 भी नहीं है, मिनिमम तो 66 ही है, 17 तो हमारे पास लैब मार्क्स में है ही नहीं, 18 है, 18 का 4 टाइम्स 72 होता है, और देखो 72 हमारे पास में थ्योरी मार्क्स में अवेलेबल है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है 18 और 72 की। चलिए आगे देख लेते हैं, 19 का 4 टाइम 76 होता है, लेकिन देखो थ्योरी मार्क्स में 76 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनी है ए के मार्क्स के लिए कि ए का लैब का मार्क्स 18 होगा और उसका 4 टाइम होता है 72, तो ए का थ्योरी मार्क्स हमारे पास 72 हो जाएगा। अब देखो ए का लैब का मार्क्स हमें पता चल गया है 18, तो ए के लैब के मार्क्स से रिलेटेड हमारे पास एक कंडीशन थी कि ए और बी का जो लैब का मार्क्स होगा वो टोटल होगा 30, तो ए का तो 18 मिल गया, तो 30 लाने के लिए बी का हमें 12 लेना होगा, बी 12 ए 18, तो 18 प्लस 12 30 होता है, यानी कि कन्फर्म है बी का हमारा 12 हो जाएगा, और देखो 12 हमारे पास लैब मार्क्स में अवेलेबल भी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन हमारी नोट डाउन हो चुकी है, काट देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है लैब मार्क्स ऑब्टेंड बाय जी इज लेस देन दैट ऑफ डी, जी का जो लैब मार्क्स है वो डी से कम होगा, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से नोट डाउन करते हैं कि डी का लैब मार्क्स से कम होगा जी का लैब मार्क्स, तो यहाँ पर लैब भी लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है ई हैज सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स इन थ्योरी, ई को सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स मिलता है थ्योरी में, तो सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास 77 है, मतलब कन्फर्म है कि ई को थ्योरी में 77 मार्क्स मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है द थ्योरी मार्क्स ऑफ बी आर 7 मोर देन दैट ऑफ जी, बी का जो थ्योरी मार्क्स है वो जी से 7 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जी प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा बी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है कि बी और जी के जो मार्क्स का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो 7 होगा, ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर है, ध्यान से देखना, जी से 7 मार्क्स ज़्यादा होगा बी का, मतलब बी और जी के मार्क्स का डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा। हमें यहाँ पर क्या बोला गया था कि बी और जी के जो मार्क्स का डिफरेंस होगा वो ई और एफ के मार्क्स के डिफरेंस के बराबर होगा, और बी और जी के मार्क्स का डिफरेंस तो इस कंडीशन से हमें मिल चुका है, क्या मिल गया है कि बी और जी के मार्क्स का डिफरेंस 7 होगा, तो चलो यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं। अब बी और जी के मार्क्स का डिफरेंस 7 है, मतलब कन्फर्म है ई और एफ के मार्क्स का डिफरेंस भी 7 ही होगा, तो इन दोनों में से किसी का थ्योरी का मार्क्स हमें पता है क्या, ई का पता है, देखो ई का थ्योरी का मार्क्स हमें यहाँ पर मिल चुका है 77, तो जाहिर सी बात है 77 में या तो प्लस होगा 7 या तो माइनस होगा 7, तब जाके हमें एफ का मार्क्स मिल जाएगा, तो 77 में अगर हम 7 माइनस करते हैं तो 70 होता है, और देखो थ्योरी में हमारे पास 70 मार्क्स अवेलेबल हैं, यानी कि एफ का 70 हो सकता है। अब प्लस करके भी देख लेते हैं, अगर 77 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना मार्क्स आएगा, हमारे पास 84 आएगा, और देखो यहाँ पर तो 84 है नहीं थ्योरी में, मैक्सिमम 79 तक ही है, यानी कि कन्फर्म है कि 77 में हम 7 प्लस नहीं करेंगे बल्कि माइनस करेंगे, तो हमारा 70 आता है जो कि हमारा एफ का मार्क्स हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी देखो इस कंडीशन के थ्रू ही निकल चुकी है जो कि हमारी फॉलो हो गई, और ये हमने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द लैब मार्क्स ऑफ एफ एंड जी इज मोर देन 3,
यानी कि एफ और जी का जो मार्क्स का डिफरेंस होगा लैब मार्क्स का, वो हमारा 3 से ज़्यादा होगा, 3 भी नहीं होगा, मोर देन 3 बोल रखा है, यानी कि 3+ ही होगा। ठीक है, चलिए सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर नोट हो चुकी है दोस्तों, अब देख सकते हो, और बहुत कम ही चीज़ें हमें यहाँ पर अब फिक्स करनी बची हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर थ्योरी का मार्क्स ही देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी का मार्क्स तो अब 3 ही हमें यहाँ पर फिक्स करना है। ठीक है, चलिए थ्योरी के मार्क्स रिलेटेड कौन सी कंडीशन थी, ये हमारी थ्योरी के लिए थी। ठीक है, यहाँ पर मैं थ्योरी लिख देता हूँ। चलिए अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जी और बी के बीच जो मार्क्स का डिफरेंस होगा वो 7 का होगा। ठीक है, जिसमें कि जी कम होगा और बी ज़्यादा होगा। और देखो हमारे पास सिर्फ 3 ही मार्क्स अब बचे हुए हैं नोट करने के लिए, वो कौन से 3 मार्क्स बचे हैं वो हम देखेंगे, और जिसमें भी 7 का डिफरेंस होगा वो जी और बी का होगा, सिंपल है। ठीक है, तो हम किसे नोट नहीं किए हैं एक बार यहाँ पर साइड में नोट डाउन करते हैं। हमने अभी तक 66 नोट कर लिया है, 68 नोट नहीं किया है, ठीक है, 70 नोट कर लिया है, 72 भी नोट कर लिया है, 73 नोट नहीं किया है, और फिर हमने 75 भी नोट नहीं किया है। तो देखो यही 3 मार्क्स हमें यहाँ पर नोट करने बाकी है, तो 68, 73 और 75, तो इन तीनों में 7 का डिफरेंस हमें कहाँ नज़र आ रहा है, सिर्फ यहीं पर हमें 68 और 75 में 7 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि कन्फर्म है कि 68 और 75 यही दोनों मार्क्स हमारे जी और बी के होंगे, तो जी का मार्क्स कम है और बी का मार्क्स ज़्यादा है, मतलब 68 हमारा जी का हो जाएगा और 75 हमारा बी का हो जाएगा। तो चलो नोट डाउन करो, बी का हमारा 75 हो गया और जी का हमारा 68 हो गया। तो अब एक मार्क्स जो बच रही है वो जिसने हमने नोट नहीं किया है उसी का होगा, 73 कन्फर्म है, डी का हमारा 73 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कंडीशन तो हमारी नोट डाउन हो चुकी है, अब सिर्फ लैब के कुछ मार्क्स हमें नोट डाउन करने हैं जो कि हमारे पास यहाँ कंडीशन के रूप में पता है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पता है, 4 हमने अभी तक लैब में नोट नहीं किया है, तो कौन से 4 हमने अभी तक नोट नहीं किए हैं वो भी हम यहाँ पर साइड में एक बार देख लेते हैं। हमने 11 नोट कर लिया है, 12 हमने नोट कर लिया है, 13 नोट नहीं किया है, ठीक है, 14 नोट नहीं किया है, और 16 नोट नहीं किया है, और 19 नोट नहीं किया है, बस ये 4 हमने अभी तक नोट नहीं किया है। अब इन चारों में से देखो सी और एफ का तो हमें पता है, या तो 13 होगा या फिर 19 होगा। ठीक है, यानी कि 13 सी या एफ का हो सकता है, 19 भी सी या एफ का हो सकता है, 14 और 16 हमारा किसका होगा, देखो जी या डी का हमने अभी तक नोट नहीं किया है, उसके लिए कंडीशन भी यहाँ पर हमने लिख रखी है कि जी का मार्क्स डी से कम होगा। तो यहाँ पर जो 2 मार्क्स बच रहे हैं कन्फर्म है कि वो जी और डी के होंगे, तो डी का मार्क्स ज़्यादा है और जी का मार्क्स कम है, तो ये 16 हो जाएगा डी का, 14 हो जाएगा जी का। ठीक है, तो जी और डी के मार्क्स तो हमारे मिल चुके। अब देखो जी का मार्क्स हमारा यहाँ पर 14 मिल गया है, हमें क्या बोला गया था लैब के मार्क्स के बारे में इस कंडीशन में कि एफ और जी का जो लैब का मार्क्स का डिफरेंस होगा वो 3 से ज़्यादा होगा, तो जी का 14 है। ठीक है, अब एफ के लिए या तो 13 या तो 19 होगा, अगर हम 13 लेते हैं तो 14 और 13 में 3+ का डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन 14 और 19 में 3+ का डिफरेंस हो जाता है, मतलब कंफर्म है ये कंडीशन हमारी तभी फुलफिल होगी जब जी तो हमारा 14 है ही, ये हमें पता है, एफ़ को हम 19 ले लेते हैं तब जाकर ये हमारे कंडीशन फॉलो हो जाती है, एफ़ का 19 तो सी का बच गया, सी का 13 हो जाएगा। देखो सभी लोगों की मार्क्स हमें लैब में पता चल गई है, तो नोट डाउन कर लेते हैं, सी का 13 हमें मिल चुका है, ठीक है, जी का 14 हमें मिल चुका है, डी का 16 हमें मिल गया है, और एफ का भी 19 हमें मिल चुका है। तो देख सकते हो दोस्तों कि ये पजल हमारी अब यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, ज़्यादा मुश्किल पजल नहीं थी, आसान सी पजल थी, बस अगर आपने ध्यान से सॉल्व किया तो इस तरह के पजल आसानी से सॉल्व होंगे। और दोस्तों इस तरह के कैलकुलेशन बेस्ड पजल केनरा बैंक में पूछे जाने की उम्मीद है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।